यूपी में आखिरकार 38 साल बाद पुराना वो रिवाज बंद हो गया जिसे वीपी सिंह ने सीएम रहते कानून बनाकर शुरू कर दिया था और जिस कानून की वजह से अब तक सीएम और मंत्री बन रहे नेता आम जनता से भरने वाले खजाने से मलाई खा रहे थे। विधान भवन के इसी गुंबद के नीचे साल 1981 में एक कानून बनाया गया था और इस कानून को लागू कराकर सभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मलाई खाने का तरीका इजाद किया गया था। कानून ये था कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन के एवज में लगने वाला इनकम टैक्स वो खुद नहीं भरेंगे बल्कि इनकम टैक्स को सरकारी खजाने से चुकाया जाएगा। बीते 38 वर्षों से सूबे में जितने मुख्यमंत्री और मंत्री बने उन सभी ने इस कानून की आड़ में सरकारी खजाने को चपत लगाते हुए पूरी पूरी सैलरी उठाई, यानी एक भी पैसा अपने वेतन से इनकम टैक्स में नहीं दिया गया। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जब ये बात आई उसके बाद उन्होंने कानून में संशोधन करने का ऐलान कर दिया था। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में साल 1981 में बने इस कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब विधानसभा के अगले सत्र में इस संशोधन को पारित करवाया जाएगा जिसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी तनख्वाह से ही इनकम टैक्स चुकाना होगा। अगर ये सभी व्यक्ति अपना अपना करते हैं तो सभी माननीय विधायकों को भी अपना अपना करना चाहिए। सरकारी खर्चे में जिस तरह से कटौती की बात सामने आई एक अहम फैसला माना जाएगा इसको लेकर। अब स्वाभाविक ही ये स्वागत योग्य कदम है, सराहनीय कदम है और जितना ही स्वागत किया जाए उतना ही कम है क्योंकि मैं पहले से ही भरता रहा इसलिए मैं इसका ज्यादा स्वागत करता हूँ। निर्णय लिया गया श्रेष्ठ है, सराहनीय है, हम सब लोग अपना भरेंगे, सबने प्रशंसा किया है, पूरे मंत्रिमंडल ने प्रशंसा किया, मैंने मंत्री सवाल ये है कि 28 साल तक ये व्यवस्था चलती रही जनता पे जो अतिरिक्त बोझ इस पर बोझ बना रहा है इसको लेके क्या कहें, अब तक इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब उन जिन लोगों को निर्णय लेना चाहिए था उनको निर्णय लेना चाहिए था, हमको अवसर आया हमने निर्णय लिया। जनता के सब लोग दे रहे हैं टैक्स, मंत्रियों को देना चाहिए। करीब 3 दशक तक ये व्यवस्था चल रही है, सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ इसके चल जितने दिन भी चली अगर कोई खराब व्यवस्था थी तो उसे बदलना, जैसे कदम सराहनीय है तो पूर्ववर्ती सरकार को भी इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए था, जनता को बोझ लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने गलती की है तो हम उसको दुरुस्त करें। वीपी सिंह के अलावा मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और बीच में कुछ वक्त के लिए रहे मुख्यमंत्रियों ने इस कानून पर चुप्पी साधे रखी और उत्तर प्रदेश की आम जनता से मिले धन को इनकम टैक्स के नाम पर दोनों हाथों से लूटते रहे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तेज निगाहों ने इस परंपरा की आड़ में सरकारी खजाने को लग रही चपत को ताड़ लिया। विक्रम सिंह राठौर, लखनऊ, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।